गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही है? आज मैं आपको डेफिनेशन लॉ ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को बताऊंगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था। ओम्स लॉ क्या होता है बताइए, ओम्स लॉ क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो उस चालक में से बहने वाली धारा उस चालक के प्रतिरोध के सिरों के उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। मैंने आपको बताया था यमन सर्किट होता है, इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज लगा होता है और यहाँ पे हमारी धारा बनी है। तो जो ये इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, आज हम किसी को बताएंगे के नियमों को बताएंगे और पदार्थ की रेजिस्टिविटी को बताएंगे। जिस प्रकार अगर हमें कॉलेज से अपने घर जाना है और रास्ते में वर्षा होने लगे और पानी भर जाए रास्ते में, क्या आप अपने घर पर पहुंच पाओगे? तो जो वो पानी भरा है वो किसका काम कर रहा है? एक अवरोधक का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार किसी चालक में ऐसा गुण होता है जिसको वो अपने में से धारा को बहने से रोकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकता है, वही हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। सिंबल क्या होते हैं?
ये हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये सिंबल होता है। और अगर डिनोट की बात करूँ, इसको डिनोट किया जाता है आर से, और अगर इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। सिंबल ये होता है और इसको डिनोट किया जाता है आर से, और इसका मात्रक जो यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस क्या होता है बताइए जेपी सर? जो धारा को फ्लो करने में, जो धारा को कमेश जी आप बताइए क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? नितीश सर बहुत अच्छे रेजिस्टिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जो धारा का प्रवाह करे, धारा के प्रवाह में खड़े हमें कंट्रोल क्या है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वैसा भार है जिसके कारण वैसवन में से प्रवाहित होने वाली धारा के भार में रुकावट पैदा करता है या अवरोधक का काम करता है, प्रतिरोध कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस करके बताइए। किसी पदार्थ का है गुण बहुत अच्छे बैठे जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध होता है वो किसका बना होता है रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है? हम केस करते हैं ओम मीटर। बहुत अच्छी गाड़ी। ये टॉपिक मैंने अरिहंत पब्लिकेशन ग्रुप से लिया है जिसके ऑथर है के मित्तल। पेज नंबर 95 पे जाकर आप वहाँ से इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगली कक्षा में मैं आपको चालकता और विशिष्ट चालकता के